हर महीने फ्लाईओवर के ऊपर काफी सारे सीरियस बाइक एक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो रेगुलर फ्लाईओवर के ऊपर से बाइक राइड करते हो। तो इसमें बताई गई 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स आपकी जान बचा सकती है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर करना बहुत ही जरूरी है। और जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है कि ओवरटेक ना करें। वैसे इस फ्लाईओवर से काफी सारे एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, यहाँ से गिर के भी काफी सारे लोगों का मौत हो चुकी है। क्लास दबा के ये छोड़ के पहले सामने वाला हाथ थोड़ा सा आगे कीजिए ताकि वो रस्सी आपके हाथ में अटके। तो आज इस वीडियो में 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जो फ्लाईओवर एक्सीडेंट के हाथ से आपको बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर पसंद आए लाइक करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, पर शेयर जरूर करें। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट, डोंट राइड फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से बाइक ना चलाएं। वैसे तो जब भी आप बाइक चला रहे हो तो लेफ्ट साइड फॉलो करके बाइक आपको चलाना है, पर जब हाईवे पे आप बाइक राइड कर रहे हो तो एकदम लेफ्ट साइड पकड़ के ना चलाएं। 1 से 2 फीट गैप रखें और एकदम रास्ते के मिडिल में ना जाएं। जो मिडिल और लेफ्ट साइड में जो बीच का रास्ता है वो बीच का रास्ता पकड़ के चलें ताकि दोनों साइड आपका क्लियर रहे, तो एक्सीडेंट होने का चांसेस काफी हद तक कम हो जाती है। तो अभी हम लोग माँ फ्लाईओवर के ऊपर है, तो जैसे पहला पॉइंट में बताया था कि एकदम लेफ्ट साइड से आपको बाइक चलाना नहीं है, मतलब एकदम लेफ्ट में नहीं जाना है। थोड़ा बहुत गैप रख के यहाँ से 2 या 3 फीट का गैप रख के फिर यहाँ से राइड करें, और एकदम बीच में नहीं जाना है क्योंकि बीच में जाने से पीछे का जो कार्स है काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि ओवरटेक करते टाइम वो लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए एकदम बीच में नहीं जाएंगे, रास्ते का थोड़ा सा लेफ्ट साइड पकड़ के लेफ्ट साइड से 2 या 3 फीट छोड़ के फिर वैसे स्ट्रेट राइड करेंगे, और जल्दबाजी में इधर उधर मुड़ना नहीं है, आराम से इंडिकेटर देख के लुकिंग ग्लास देख के फिर आपको राइट या लेफ्ट टर्न लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट कौन सी है। और मेरा दूसरा और सेकंड पॉइंट है, अगर आप नया बाइक राइड कर रहे हो, मतलब नया नया बाइक चलाना सीखे हो या पहली बार किसी फ्लाईओवर के ऊपर से बाइक चला रहे हो, मन में थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा टेंशन है कि पहली बार मैं हाई रोड के ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर बाइक राइड कर रहा हूँ, तो उनके लिए मेरा जो सजेशन है, यूज योर हैजर्ड लाइट, मतलब जो हैजर्ड या इमरजेंसी लाइट है उसको ऑन कर लो। ये काफ़ी फायदेमंद होता है, इससे विजिबिलिटी काफ़ी बढ़ता है और जो दूसरे ड्राइवर है वो भी अलर्ट हो जाता है क्योंकि आपका इमरजेंसी लाइट ऑन है। ये आपको बारिश के मौसम में, मतलब रेनी सीजन में, और खास करके अभी विंटर सीजन है जाड़े के मौसम में, आपको काफ़ी अच्छा विजिबिलिटी देगा और आपको सेफ्टी भी प्रोवाइड करेगा। तो आप ऐसे सिचुएशन में बाइक का दोनों इंडिकेटर, मतलब हैजर्ड लाइट ऑन करके भी बाइक राइड कर सकते हो। जैसे हमको पता है आगे में रोड डाइवर्जन है, मतलब एक राइट में और एक लेफ्ट में, तो सबसे पहले इंडिकेटर को ऑन कर लें। मेरे को लेफ्ट साइड में जाना है तो लेफ्ट इंडिकेटर मैंने ऑन कर दिया। देखिए काफ़ी सारे बाइक्स ये फॉलो नहीं करते हैं, सामने देखिए कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, पर मेरा सजेशन है आप ज़रूर फॉलो कीजिए। जितना आप सेफ्टी नॉर्म्स मान के चलेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, सेफ होगा, और बाद में यही चीज़ आपका आदत बन जाएगा और ऑटोमेटिकली आप इंडिकेटर, डिपर, ये सब ऑटोमेटिकली आपके आदत में आ जाएगा और आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है, मेंटेन योर स्पीड। स्पीड मेंटेन मतलब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ आप यहाँ पे देखिए स्पीड लिमिट 30 लिखा हुआ है, तो मैं ज़्यादा तेज चलाने के लिए नहीं बोलूँगा, डेफिनेटली जो स्पीड दिया हुआ है वो स्पीड मेंटेन करके आप बाइक चलाइए क्योंकि वही सबसे सेफेस्ट स्पीड होता है एक्सीडेंट के हाथ से बचने के लिए। पर यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक्स है जिसके लिए मैं स्पेशली ये पॉइंट ऐड किया हूँ, वो है डोंट राइड एक्सट्रीम स्लो। आप तेज नहीं चला रहे हो फिर भी एकदम स्लो मत चलाइए बाइक को, थोड़ा सा जो स्पीड है 30 से up to 35 वो स्पीड मेंटेन करके बाइक चलाएं। बहुत तेज जाना भी फायदेमंद नहीं होता है और बहुत स्लो जाना भी फायदेमंद नहीं होता है। काफ़ी सारे मेरा दोस्त लोगों को देखे हैं कि डर के मारे बाइक एकदम स्लो चलाते हैं, तो एकदम स्लो स्पीड भी फायदेमंद नहीं रहता है। जो बेसिक स्पीड लेवल है 30 से 35 वो स्पीड मेंटेन करके आप बाइक चलाइए। और जैसे हम अभी फ्लाईओवर के एकदम ऊपर है, एकदम बीचों बीच है, और एक साइड एक लेफ्ट साइड फॉलो करके हम धीरे धीरे बाइक चला रहे हैं, वैसे स्पीड मेंटेन में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर अननेसेसरीली ओवरटेक ना करें। अगर ओवरटेक करनी हो तो बहुत केयरफुली, तो सबसे पहले आप लुकिंग ग्लास का फॉलो कीजिए, लुकिंग ग्लास में देखिए और फिर धीरे से आप ओवरटेक कर सकते हो।
वैसे इस फ्लाईओवर से काफ़ी सारे एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, यहाँ से गिर के भी काफ़ी सारे लोगों का मौत हो चुकी है। तो बहुत इजी नहीं है फ्लाईओवर के ऊपर राइड करना, एक बार छोटी सी गलती से अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत ही भयानक परिस्थिति हो सकता है। मेरा चौथा पॉइंट है, डोंट ओवरटेक अननेसेसरी, मतलब अननेसेसरीली बिना कारण से ओवरटेक ना करें। आप स्पीड मेंटेन करके चलिए, जैसे पहले वाला पॉइंट में बोला था, और जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है कि ओवरटेक ना करें, तो अगर जब हाई ओवर में बाइक चला रहे हो तो थोड़ा बहुत स्पीड मेंटेन करके ओवरटेक, बिना ओवरटेक किए बाइक चलने की कोशिश करें। अगर ओवरटेक करना है तो प्रॉपरली इंडिकेटर दें, हॉर्न दें, फिर उसके बाद धीरे से ओवरटेक करें। तो जैसे यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड मेंशन किया है, तो उतना स्पीड रखना ज़रूरी है, ज़्यादा तेज चलाने की कोशिश मत करना। जितना स्पीड कंट्रोल में रखोगे उतना माइलेज भी अच्छा मिलेगा और काफ़ी सेफली आप रोड में राइड कर सकते हो। तो जैसे ये ट्रैफिक काफ़ी स्लो है और आपको ओवरटेक करना है, तो पहले लुकिंग ग्लास देखें पीछे कोई गाड़ी आ रही कि नहीं, और फिर धीरे से आप ओवरटेक कर सकते हो। थोड़ा सा हॉर्न बजाना भी ज़रूरी है, और अगर ज़रूरत पड़े तो इंडिकेटर भी देना चाहिए, और बहुत केयरफुली आप फ्लाईओवर में ओवरटेक करें। तो मेरे हाथ पे भी पतंग देख के आप सोच रहे होगे मेरा पांचवा पॉइंट क्या होगा, तो आपको बता दें ये फ्लाईओवर के ऊपर ऐसे एक्सीडेंट मैंने खुद मेरे आंखों से देखा है। जैसे त्यौहार की मौसम हो गया, दिवाली या दुर्गा पूजा के टाइम काफ़ी सारे लोग पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग का जो रस्सी होता है इस रस्सी से कट के काफ़ी सारे स्क्रैचेस आते हैं, हाथ में कटता हुआ मैंने देखा है। तो मेरा जो अगला वाला पॉइंट है, मतलब लास्ट पॉइंट है, वो है ये पतंग का जो रस्सी है इससे आप कैसे अपने आप को बचा सकते हो। तो इसमें मैं दो तीन ट्रिक्स बताना चाहूँगा। तो जब आप बाइक राइड कर रहे हो और सामने अचानक सा कोई पतंग का रस्सी आ गया, तो सबसे पहले राइट हैंड को छोड़ के, मतलब एक्सेलेटर छोड़ के आप उस राइट हैंड को आगे करके उस धागे से आप बच सकते हो। हेलमेट का कांच जो है वो अगर डाउन रहे तो अच्छा है, नहीं तो हल्का सा सर नॉट करके, मतलब झुका के उस पतंग के रस्सी से आप बच सकते हो। तो ये छोटा मोटा टिप्स है, पर काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स इस छोटे मोटे वजह से भी हो जाता है। तो आप अगर ऐसे फ्लाईओवर में जा रहे हैं और सामने कोई, मतलब पतंग का कोई आप रस्सी बोल सकते हो, धागा बोल सकते हो, अगर सामने आ जाए, तो मेरा सजेशन है क्लास दबा के ये छोड़ के पहले सामने वाला हाथ थोड़ा सा आगे कीजिए, ताकि वो रस्सी आपके हाथ में अटके, और थोड़ा सा सर को, मतलब हेलमेट के ऊपर आने दें, तो सर को थोड़ा सा नॉट करने से वो रस्सी आपको आपके गर्दन तक नहीं छुएगा, तो कटने का चांसेस काफ़ी कम हो जाएगा। तो एक बार मैंने भी ऐसे ही बचा था, मेरा राइट हैंड आगे करके उस रस्सी से बचा था, फिर धीरे करके उसको सर के ऊपर से निकाल के फेंका था। तो ऐसे एक्सीडेंट्स काफ़ी होते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ है और शायद ही किसी के साथ ऐसा हुआ हो, पर जब होगा तो बहुत ही ख़तरनाक एक एक्सपीरियंस हो जाती है। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं ख़त्म, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ज़्यादातर हम लोग सुपर बाइक देखना पसंद करते हैं, पर सेफ राइडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरा ये टिप्स आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। आपके पास भी कोई बेहतरीन टिप्स या कोई एक्सपीरियंस है ज़रूर शेयर कीजिए, अगला वीडियो में मैं ज़रूर इंक्लूड करूँगा। और मेरा जितना भी सेफ राइडिंग वाला वीडियो है वो ज़रूर देखें और शेयर करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, फिर मिलेंगे दूसरा कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स लेके। तब तक के लिए सेफ राइड, सेव लाइफ।